राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले आज श्री बघेल ने इस राम वन गमन परिपथ के संबंध में रायपुर में पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग रघुपति राघव राजा राम पर विश्वास करते हैं और प्रभु श्री राम के वृहद चरित्र में छत्तीसगढ़ की जीवन शैली की छाप है, क्योंकि कौशल्या माता का संबंध छत्तीसगढ़ से ही है। इस पर्यटन परिपथ के विकास में हो रही देरी पर जवाब देते हुए श्री बघेल ने कहा कि पौराणिक कथाओं के आधार पर प्रदेश में 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण इस राम वन गमन परिपथ को विकसित करने में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस परिपथ को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 9 जगह हम लोग चिन्हित किए थे, जिसमें हरचौका का पाला हो गया, सूर्य नारायण हो गया, और ये तुरतुरिया है, चंदखुरी है, श्री नारायण राजीव लोचन है। इस प्रकार से 9 जगह चिन्हित किए थे, लेकिन आप लोगों ने देखा पिछले साल भी कोरोना आ गया, इस साल भी कोरोना आ गया, काम करने में थोड़ा सा परेशानी तो हुई है। और फिर सबका जो लक्ष्य है वो थोड़ा डाइवर्ट भी हुआ, कोरोना पहले रोकथाम किया जाए उसके बाद दूसरे काम करें, और दूसरे काम कोरोना कारण से लॉकडाउन और बहुत सारे कारणों से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी चंदखुरी का काम संपन्न हुआ है, जिसका आज आप सब की उपस्थिति में उसको आम जनता के लिए खोला जाएगा। चंदखुरी में आयोजित कौशल्या मंदिर परिसर जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता ताम्रध्वज साहू करेंगे।